फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ठीक है किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल का मासफ अभिनव चौधरी। तो फ्रेंड्स आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो गाइज आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइज आपको बताने वाला हूं गाइज हमारे रेडमी नोट 7 प्रो में गाइज आ गया है एमआई वाई 12 का अपडेट। जी हां गाइज आप सही सुन रहे हैं और गाइज जल्दी आपको भी मिल जाएगा आपके फोन के अंदर एमआई वाई 12 का अपडेट। तो गाइज आप हमारे चैनल पर बने रहिए और गाइज चलिए आज की इस वीडियो में गाइज आप बने रहिए क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस एमआई वाई 12 के अपडेट को शॉर्ट करने के बाद गाइज हमें कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं हमारे अपने रेडमी नोट 7 प्रो में, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइज कौन कौन से बग फिक्स हो जाते हैं हमारे अपने रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर, और गाइज कौन से नए बग मिलेंगे वो भी गाइज मैं आपको बताऊंगा। गाइज आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप की, गाइज अगर आप इस वीडियो को स्किप करिएगा तो गाइज आप उन सारे स्टेप्स को मिस कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करके दिखा दूँ तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज हमारे फ़ोन पे आ गया है एमआई वाई 12 का अपडेट वर्जन, जो कि आप देख सकते हैं इसका स्टेबल वर्जन का ये अपडेट है और इसके साइज़ की बात को तो आप पढ़ सकते हैं 722 MB का ये अपडेट है। गाइज चलिए इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं और गाइज आपको आगे चेक करके बताता हूँ कि गाइज इस अपडेट में हमें गाइज कौन कौन से नए फीचर्स और न्यू इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, हमारे कौन कौन से पुराने बग फिक्स हो गए हैं हमारे रेडमी नोट 7 प्रो में जो गाइज हमें पिछले अपडेट के बाद देखने को मिले थे, गाइज वो सारे बग्स फिक्स होते हैं इस अपडेट में या नहीं होते हैं वो गाइज आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल, आप देख रहे हैं टिकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स हमारे टिकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो गाइज बेल आइकन है उसे प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे तरफ से सारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज आप देख रहे हैं टिकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गाइस सिस्टम एनिमेशन को चेंजेस किया है, देख सकते हैं न्यू में क्या है, ऑल न्यू फिजिकल बेस्ड एनिमेशन इंजन जो था उसको गाइस एडवांस आर्किटेक्चर पे अपग्रेड कर दिया गया है। अब आपको डिवाइस का नया लुक देखने को मिलेगा, डायनामिक विंडो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा आपके स्क्रीन ओरिएंटेशन के अंदर, एनिमेशन को भी गाइस सेलेक्टेड सीन्स को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। सिस्टम विजुअल्स की बात करें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ब्रांड न्यू विजुअल्स डिज़ाइन वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट्स एंड लैंग्वेज मैगजीन लेवल लेआउट ब्रिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इनटू द स्पॉटलाइट। तो गाइज कंटेंट स्ट्रक्चर को भी गाइज इसमें चेंज किया गया है, कंट्रोल सेंटर में भी गाइज कुछ अपडेट हमें मिलता है, डाकोन का भी में भी कुछ हमें इंप्रूवमेंट मिला है, सिस्टम में भी, स्टेटस बार में भी, होम स्क्रीन में भी, वेदर में भी, गाइज इतने सारे अपडेट आपको मिले हैं अपने इस एम आई वाई 12 के अंदर। होम स्क्रीन कभी गाइज ब्लैक हो जाता था एंड स्टार्टेड फ्लैशिंग होता था आफ्टर अनलॉकिंग इन सम केसेज में होता था, तो गाइज उसे फिक्स कर दिया था। आप सभी को पता था कि आप सभी के फोन में एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम था ये कि गाइज जब भी आपने रेडमी नोट 7 प्रो का अपडेट के बाद ऑन करते थे तो गाइज आपका रेडमी नोट 7 प्रो का डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो जाता था, तो गाइज उस बग को ही फिक्स कर दिया गया है। अब गाइज चलिए हम इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे फिर गाइज आपको बताऊंगा गाइज इस बग को फिक्स किया गया है या नहीं, क्या हमारा बैटरी बैकअप बढ़ा है या जो जो बग हमें पहले मिल रहा था वो सब फिक्स हुआ है या नहीं, और गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस कैमरा में जो बग था गाइज वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने रेडमी नोट 7 प्रो में इस एम आई वाई 12 के अपडेट को, तो गाइस चलिए चलते हैं सेटिंग में और गाइस एक बार चेक कर लेते हैं कि गाइस इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद गाइस हमारे फोन में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो गाइस अबाउट फोन में चलते हैं तो वहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हैं बूम गाइस हमारे अबाउट फोन का गाइस पूरा लुक चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एम आई वाई 12 वर्जन का देखने को मिल जाता है लोगो, MIUI ग्लोबल वर्जन 12.0.1 का गाइज स्टेबल अपडेट हमें मिला था अपने रेडमी नोट 7 प्रो में जो कि गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टोरेज के डिज़ाइन को भी गाइज चेंज कर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज आपको इस टाइप का स्टोरेज इंटरफेस देखने को मिल रहा है अब आपके अपने रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर, तो इस टाइप का आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करूँ तो गाइज एम आई वाई वर्जन आप देख सकते हैं कौन सा है, एंड्रॉइड वर्जन गाइज हमारा 10 पे चल रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये। और गाइज बात करो तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करो तो गाइज आप देख सकते हैं गाइज 1 अगस्त 2020 का गाइज हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइज इस अपडेट को शॉ करने के बाद गाइज हमारे अपने रेडमी नोट 7 प्रो में गाइज हमें कौन कौन से नए फीचर्स न्यू सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, और गाइज कौन कौन से सेटिंग्स का और गाइज कौन कौन से सेटिंग्स का गाइज लुक चेंज हो गया है हमारे अपने रेडमी नोट 7 प्रो में, तो गाइज आप वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस सबसे पहले सेटिंग की बात हो तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस अबाउट फोन का सेटिंग का गाइस पूरा लुक चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस पूरी ही गाइस आपको पूरा सेटिंग गाइस डार्क बोल्ड टेक्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है जो कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब गाइस बात करें कुछ फीचर्स की तो गाइस आपको मैंने पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ गाइस अपडेट में हमें कौन कौन सा हाईलाइट मिला था, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं गाइस आपको हाईलाइट्स मिला था, 12 का अपडेट मिला था आपको, इसमें सिस्टम एनिमेशन का चेंजेस किया गया था, पढ़ सकते हैं ऑल न्यू फिजिकली बेस्ड एनिमेशन जो इंजन था उसे गाइस एडवांस्ड आर्किटेक्ट पे रिफ्रेश किया गया है, डिवाइस का लुक चेंज किया गया है, और अगर सिस्टम विजुअल्स पे भी गाइस चेंजेस किया है तो गाइस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कंट्रोल सेंटर आप कर सकते हैं गाइस स्वाइप डाउन फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू ओपन नोटिफिकेशन सेट, स्वाइप डाउन फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर। डार्क मोड रहेगा गाइस आपको नया अपडेट मिला है देखने को, तो गाइस आप इसे चेक कर सकते हैं गाइस। ब्राइटनेस और कलर इंप्रूवमेंट किया गया है वॉलपेपर के अंदर, अब गाइस आप जब भी डार्क मोड को इनेबल करिएगा तो गाइस आपने जो भी वॉलपेपर लगाया होगा गाइस उसमें भी गाइस आपको न्यू एडजस्टमेंट और सेटिंग्स देखने को मिलेंगे।
सिस्टम की बात करते हैं, फुल स्क्रीन गेस्चर्स आप देख सकते हैं इग्नोर कर दिया गया है ब्लॉक स्क्रीन के अंदर, तो गाइस आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है अगस्त के अंदर, स्टेटस बारे में पढ़ सकते हैं गाइस, स्क्रीन लाइट्स अप विथ एन एनिमेशन नाउ। अब गाइस आपको इसमें एनिमेशन टाइप का मिलता है देखने को, जब हम फोन को अनलॉक करेंगे तो गाइस आप ऐप का इंटरफेस देख पाइएगा। मैं आपको होम में लेकर चलूँ तो गाइस ऐप का इंटरफेस आप देखिएगा यहाँ पे, तो गाइस ऐप आपको बाउंस होते हुए दिखता है जब आप अपने फोन को अनलॉक। अब गाइस बात करें आगे कुछ और सेटिंग्स की, तो गाइस चलिए चलते हैं सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में। तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हैं गाइस आपके सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में गाइस जो कि आपको इंटरफेस पहले देखने को मिलता था गाइस उसे पूरा चेंज कर दिया गया है। अब गाइस आपको कलरफुल इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वॉइस ओवर कॉलिंग वाईफाई का भी गाइस आपको पहले ही सपोर्ट मिल गया था, तो गाइस आप अगर आपको नहीं पता है तो गाइस आप उस फीचर को चेक कर सकते हैं अगर आप जियो या एयरटेल यूज़ करते हैं तो। और गाइस वाईफाई ऑप्शन की बात हो तो गाइस वाईफाई में अब अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गाइस आप वाईफाई असिस्टेंट का एक ऑप्शन देख पा रहे हैं। यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है ऑप्शन गाइस सेलेक्ट बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली, तो गाइस अब आपके वाईफाई के ऑप्शन में गाइस अब आपको डायरेक्टली बेस्ट नेटवर्क को सेलेक्ट कर दिया जाएगा आपके फ़ोन के द्वारा अपने आप अगर अपने फ़ोन के वाईफाई को इनेबल रखेंगे तो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात को गाइस आप पढ़ सकते हैं, ट्रैफिक मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, इससे क्या होगा तो गाइस करंट नेटवर्क ट्रैफिक जो स्पीड होगा गाइस उसको ये एडजस्ट करेगा रेगुलर मोड में या एक्सट्रीम मोड में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो यहाँ से। और गाइस ब्लूटूथ ऑप्शन की बात हो तो गाइस इसके भी इंटरफेस को गाइस फुल्ली चेंज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं गाइस आपको लार्जली फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं और गाइस लार्जली आपको सारे पेयर डिवाइसेस के नेम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो गाइस आप ये भी चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग की बात को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, साथ साथ गाइस आपको सनलाइट मोड मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें रीडिंग मोड यहाँ पे आपको मिलता है, आप चाहे तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या चाहे तो आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ से। कलर स्कीम की बात करो तो यहाँ से गाइस आप अपने स्क्रीन के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं जो कि गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिस कलर में आप चाहे अपने फ़ोन के कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। मैं से वापस से डिफॉल्ट पर सेट कर देता हूँ। और गाइस बात करो तो डार्क मोड आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस डार्क मोड में गाइस आपको एक नया ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन क्या है तो गाइस अगर आप डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो गाइस उसे भी गाइस उसके भी कलर्स को एडजस्ट किया जाएगा इस डार्क मोड के हिसाब से, तो गाइस आपको ये एक नया फीचर मिलता है। और गाइस यहाँ से आप ऐप को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अब आप किसी भी ऐप को यूज़ करें तो गाइस उसमें भी गाइस आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जाके उन ऐप्स को सेलेक्ट करना है इस ऑप्शन की मदद से, फिर गाइस आप जो भी ऐप यूज़ करेंगे गाइस उसमें डार्क मोड ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। बात करो अब न्यू नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो गाइस आपको न्यू नोटिफिकेशन पैनल मिला है अपने रेडमी नोट 10 प्रो में एम आई 12 के अंदर, तो गाइस आपको कैसे उसे इनेबल करना है तो गाइस उसके लिए गाइस आपको डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे गाइस आपको कंट्रोल सेंटर है नोटिफिकेशन शेड में जाना है और यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर, तो गाइस आपको इसको इनेबल कर देना है। फिर गाइस आप बात को तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह से इसे स्वाइप डाउन करेंगे, तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस कंट्रोल सेंटर का जब हमारा कंट्रोल सेंटर का जब हमारा चेंज हो चुका है अपने रेडमी नोट 10 प्रो का, गाइस आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके अपने रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर, आपको यहाँ से इसे स्वाइप करना है तो गाइस आपको इस टाइप का सेंटर मिलेगा, अगर आप इसे ऐसे स्वाइप करेंगे तो गाइस आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो गाइस आपको फुल्ली ऊपर से जाके स्क्रीन से स्वाइप करना होगा स्वाइप डाउन, तभी गाइस आपको इस टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। और गाइस जब बात करो बैटरी इंडिकेटर की, तो गाइस बैटरी इंडिकेटर में भी गाइस हमें अपडेट मिला है, वो क्या है तो गाइस जब अपने बैटरी परसेंटेज को गाइस हम बैटरी के राइट साइड में शो कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस आपको बैटरी परसेंटेज में भी गाइस आपको न्यू अपडेट मिलता है देखने को, तो आप चाहे तो इसे इनेबल रख सकते हैं नहीं तो गाइस आप वहाँ से इसे वापस से डिजेबल कर सकते हैं। और गाइस जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि उन्हें गाइस अभी तक ऐप ड्रॉअर नहीं मिला है, तो गाइस ऐप ड्रॉअर कहाँ है तो गाइस आप चेक करिए इस अपडेट को शो करने के बाद, आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन में जाइए, वहाँ पे गाइस आपको होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे गाइस आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से गाइस आप ऐप ड्रॉअर को इनेबल कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आपको कोई न्यू अपडेट नहीं मिलता है यहाँ पे, जैसा आपको पहले अपडेट था वैसा ही गाइस यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है, ग्लोबल आइकन एनिमेशन आपको मिल जाता है एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रेंडर एनिमेशन ऑन थर्ड पार्टी ऐप्स आइकन पे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को जो कि गाइस न्यू अपडेट है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात हो तो गाइस यहाँ पे भी आपको न्यू सा इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और गाइस अनलॉक विद ब्लूटूथ डिवाइस का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है देखने को। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑप्शन में गाइस आपको न्यू सेटिंग्स मिलते हैं देखने को, सेंसिटिविटी एक्शन से लोकेशन आप इतना ऐप्स को आपने पर एक्सेस दिया है, जैसे कि आप सब लोग सोचते होंगे गाइस अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो गाइस वो हमारे सारे परमिशंस को इनेबल करवाते हैं, और गाइस आप गलती से उसके परमिशंस को इनेबल कर देते हैं तो गाइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइस आपने किन ऐप्स के कौन कौन से परमिशंस को अलाउ किया है, तो गाइस यहाँ से आप उसे वापस से डिजेबल भी कर सकते हैं, जो कि गाइस आप यहाँ से रिस्क वाले परमिशन को इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे गाइस आपको हाई रिस्क परमिशंस के ऑप्शन में वो सारे ऐप्स देखने को मिलेंगे, तो गाइस ये भी एक नया अपडेट आपको मिलता है अपने रेडमी नोट 10 प्रो देखने को, जो कि गाइस सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा अपडेट आपको देखने को मिल जाता है।
अब गाइज बात करो बैटरी एंड परफॉर्मेंस की, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गाइज हमें MIUI 12 के अंदर गाइज मिलेगा अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड, तो गाइज आप देख पा रहे हैं गाइज हमें मिल गया है अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। तो गाइज आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और गाइज यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 7 प्रो को बहुत लंबे समय तक, और गाइज आपकी बैटरी बैकअप आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और गाइज जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में गाइज आपको बताऊंगा गाइज इस अपडेट को शो करने के बाद गाइज हमें कौन कौन से नए बग्स मिलते हैं हमारे Redmi Note 7 Pro में, और गाइस कौन कौन से हमारे पुराने बग फिक्स हो गए। तो गाइस हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो गाइस हमारे चैनल पे बने रहिए क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ गाइस हमारे Redmi Note 7 Pro में गाइस हमें कौन कौन से नए बग्स मिलते हैं इस MIUI 12 के अंदर, और गाइस कौन कौन से पुराने बग फिक्स हो जाते हैं हमारे इस अपने Redmi Note, कौन से पुराने बग फिक्स हो जाते हैं हमारे अपने इस Redmi Note 7 Pro में इस MIUI 12 के अपडेट के बाद। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिल जाता है, तो गाइस आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस ऐप्स की बात करो तो गाइस ऐप्स में आप देख सकते हैं गाइस आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ड्यूअल ऐप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको ऑप्शन मिल गया अपने Redmi Note 7 Pro में इस MIUI 12 के अंदर, जो कि गाइस हमें सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिलता था। गाइस कोई भी विंडो को गाइस आप फ्लोटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने इस Redmi Note 7 Pro में। सेकेंड स्पेस मिल जाता है, लाइट मोड मिल जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है गाइस कभी कभी हमारा फोन गाइस पूरा फ्रीज हो जाता है, हैंग करने लगता है, और गाइस हमें उस टाइम पर कुछ अर्जेंट काम करना रहता है, तो गाइस आप इस लाइट मोड की मदद से गाइस उस काम को आप कर सकते हैं। और गाइस बात करो तो गाइस और हमें इसमें कुछ न्यू फीचर नहीं मिलता है देखने को। अब गाइस बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो चलिए चलते हैं कैमरा के अंदर। तो गाइस कैमरा के अंदर मैं आ गया हूँ, तो गाइस कैमरा को ऑन करने के बाद गाइस हमें कौन सा इंटरफेस मिलता है, तो गाइस कैमरा ऑन करने के बाद गाइस हमें इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है हमें अपने Redmi Note 7 Pro में। हम देख सकते हैं गाइस आपको न्यू सा ऑप्शन पूछा जा रहा है, सेलेक्ट फंक्शन फॉर द शटर, शटर का गाइस न्यू फंक्शन इसमें ऐड हुआ है हमारे अपने Redmi Note 7 Pro में, तो गाइस यहाँ से हम उस ऑप्शन को चूज़ कर। तो गाइस अब कैमरा चेंजेस की बात करूँ तो गाइस आप देख पा रहे हैं गाइस कैमरा में भी गाइस बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। गाइस पूरे UI को चेंज किया गया है कैमरा का, आप देख सकते हैं आपको AI भी डिफरेंट कलर में देखने को मिलता है, फ्लैश का ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाइस आपको फ्लैश HDR और भी गाइस आप देख सकते हैं इफेक्ट्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, बगल में आपको गूगल लेंस का ऑप्शन मिलता है। और बात करो तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस ऊपर से भी गाइस पूरा चेंजेस आ गया है हमारे अपने Redmi Note 7 Pro में इस MIUI 12 पे अपडेट करने के बाद, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस पूरा UI यहाँ पे चेंज हो गया, आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं, अलग से गाइस आपको सेटिंग देखने को मिल रहे हैं आपके अपने Redmi Note 7 Pro में। और गाइस बात करो तो यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जा रहा है, उसके बगल की बात करो तो यहाँ पे आपको वीडियो मोड मिल रहा है, फोटो मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट मिल रहा है, और गाइस बाकी सारे सेटिंग्स को गाइस क्या किया गया है, तो गाइस बाकी सारे सेटिंग्स को गाइस मोर वाले ऑप्शन में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ गाइस आप सही देख रहे हैं गाइस, मोर वाले ऑप्शन में गाइस बाकी ऑप्शन को शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे कि गाइस हमें सारे अदर फ़ोन में देखने को मिलता था, जैसे कि आप सैमसंग यूज़ कर ले या गाइस आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते थे तो गाइस बाकी सारे ऑप्शन को गाइस मोर ऑप्शन में डाला जाता था, तो गाइस वैसे ही गाइस मोर ऑप्शन में इसे शिफ्ट कर दिया गया है। और गाइस और भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो चेंजेस क्या है, तो गाइस आप अगर एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको और ऑप्शंस को ऐड करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कि गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गाइस यहाँ पे आपको 48 MP का मोड भी मिल जा रहा है। स्टार्ट स्क्रीन पे कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मोर फीचर से गाइस आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कहाँ पे, तो गाइस आप इसे स्टार्ट स्क्रीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर गाइस आपका मोर फीचर वहाँ से हट जाएगा और गाइस डायरेक्टली आप इन सारे फीचर्स को डायरेक्ट बाहर में यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस अगर आपको मोर फीचर रखना है तो गाइस आप मोर फीचर रख सकते हैं, नहीं तो गाइस यहाँ से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब गाइस सेटिंग की बात करूँ तो गाइस मैं आपको कुछ सेटिंग्स चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या हमें कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन मिला है या नहीं। तो गाइस सेटिंग में चलने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, तो गाइस सेटिंग में आप गाइस देख पा रहे हैं गाइस सेटिंग के भी लुक को गाइस पूरा चेंज कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस पूरे ऑप्शंस गाइस आपको चेंज पूरे ऑप्शंस में गाइस आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और वाटरमार्क ऑप्शन की बात हो तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जी हाँ गाइस आपको यहाँ कस्टम वाटरमार्क का सपोर्ट मिल गया है हमारे अपने Redmi Note 7 Pro में इस MIUI 12 के अपडेट के अंदर। जी हाँ गाइस आप यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क आप ऐड कर सकते हैं अपने Redmi Note 7 Pro के कैमरा के अंदर, जो कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस टेक्स्ट विल अपीयर एज द सेकंड लाइन ऑफ योर वाटरमार्क, इट कैन कंटेंट्स अप टू 18 लीटर्स, गाइस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो जब अगर आप वाटरमार्क इनेबल करते हैं तो यहाँ पे गाइस आप कस्टम वाटरमार्क डाल सकते हैं, और फिर गाइस आपको स्कैन QR कोड मिल जाता है, बाकी आपको सारे वही सारे सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब गाइस एक और अपडेट इसमें हमें मिला है क्या, तो गाइस वॉल्यूम बटन की मदद से गाइस आप देख सकते हैं शटर का यूज़ ले सकते हैं, जूम कर सकते हैं, यानी तो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो गाइस आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज की बात करो तो गाइस फीचर लेआउट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि हमने मैंने आपको शुरू में दिखाया, तो गाइस यहाँ से आप फीचर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैमरा मोड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको मोड टैब चाहिए या आपको मोड पैनल चाहिए, तो गाइस दोनों
मोड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस जब देख पा रहे हैं गाइस मोर पैनल में क्या होगा, तो गाइस मोर पैनल मैं इनेबल करता हूँ, फिर गाइस आपको चेक करके दिखाता हूँ गाइस मोर पैनल में क्या होगा। तो गाइस जब हम ऐसे करेंगे तो गाइस हमारा सारा पैनल गाइस नीचे आ जाएगा, आप नीचे की ओर अपने सारे पैनल को यूज़ कर पाएंगे, जो कि गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गाइस इस तरह से गाइस अपने मोर के पैनल को यूज़ कर पाएंगे, जो कि गाइस आप नीचे से देख पा रहे हैं। इस तरह से स्वाइप करेंगे तो गाइस आपका मोर का पैनल आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो गाइस ये आपको इसमें एक इम्प्रूवमेंट मिला है, आप देख सकते हैं कस्टमाइज में। आप चाहे तो वापस से उस ऑप्शन को डिजेबल कर सकते हैं यहाँ से, जो कि गाइस आप देख पा रहे हैं। कलर्स की बात करो तो गाइस कलर्स में आप देख सकते हैं गाइस आप AI के कलर को चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं इस तरह के आपको कलर्स मिलते हैं देखने को, आप अप्लाई कर सकते हैं। साउंड में भी गाइस आपको साउंड मिल जाता है, क्लिक साउंड, या आपको साउंड को चेंज कर सकते हैं कि क्लिकिंग करते समय गाइस आपका किस टाइप का साउंड आपको देखने को मिले, फिल्म, मॉडर्न, रेट्रो, आप ये सब चीज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रखा गाइस अब आपका Redmi Note 7 Pro का कैमरा UI हो गया है। मैं आपको कुछ फोटोज़ क्लिक करके दिखा देता हूँ 40MP के मोड के अंदर गाइस कैसा फोटो क्लिक करता है। तो गाइस ये तुरंत फोटो क्लिक कर ले रहा है, आप देख पा रहे हैं गाइस फोटो तुरंत ही क्लिक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस अब इस फोटो को प्रोसेसिंग ले रहा है, फिर गाइस आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं गाइस आपको किस टाइप की क्वालिटी देखने को मिलती है आपके अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। गाइस आज के वीडियो में गाइस मैंने आपको बता दिया कि गाइस हमारे Redmi Note 7 Pro पे जो MIUI 12 का अपडेट आया था, उस अपडेट को शो करने के बाद गाइस हमें कौन कौन से नए फीचर्स, नए सेटिंग्स देखने को मिलते हैं हमारे अपने Redmi Note 7 Pro में, और गाइस कौन कौन से न्यू सेटिंग्स मिलते हैं वो भी गाइस मैंने आपको चेक करके दिखा दिया आज के इस वीडियो में। और गाइस अब हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, जिस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा गाइस इस अपडेट को शो करने के बाद गाइस हमारे Redmi Note 7 Pro में गाइस कौन कौन से नए बग्स आए हैं या कौन कौन से हमारे पुराने बग फिक्स हो गए। उस अपडेट के लिए गाइस आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सारे दोस्तों के बीच, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में गाइस मैं लाइक में रखता हूँ 200 लाइक्स का, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जल्दी जल्दी गाइस 200 लाइक्स हिट करवा देंगे। और गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, गाइस मैं आपको कुछ नया बता पाऊँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो में।